अच्छा सुनो, सब्सक्राइब करते वक्त ना घंटी बजा देना ताकि जब मैं ऑनलाइन आऊँ तो तुम्हारे फोन की भी। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। तो आज हम बात करेंगे DPSC TRE शिक्षक भर्ती 6 सितंबर 2023 की लेटेस्ट अपडेट के बारे में। जी हाँ दोस्तों, न्यूज़पेपर के माध्यम से क्या अपडेट आ रही पहले उसको हम आपके सामने रखें। और BPSC PRT कट ऑफ 2023 क्या जाने वाली। जी हाँ दोस्तों, BEd के छात्र बाहर हो जाएंगे तो क्या फाइनल कट ऑफ बनेगी, कितने कम नंबर पर बच्चों को नौकरी मिल जाएगी। जी हाँ दोस्तों, देखिए सबसे पहले देखिए प्राथमिक शिक्षक नियुक्ति में DLED ही मान्य, सुप्रीम कोर्ट से अपडेट आ रही है। BPSC ने शिक्षा विभाग से मांगा कोर्ट के आदेश पर मंतव्य। पूरी अपडेट अभी हम आपके सामने रखेंगे। शिक्षक भर्ती में BEd डिग्री धारियों को लग सकता है झटका। 1,70,000 पदों पर बहाली है, सुप्रीम कोर्ट ने फिर कहा प्राथमिक शिक्षकों की नियुक्ति में BEd वालों की जरूरत नहीं है, शिक्षा विभाग से मार्गदर्शन लेकर BPSC। प्राथमिक शिक्षक भर्ती में DLED को ही मान्यता वाले फैसले को माने बिहार। जी हाँ दोस्तों, आप देख सकते हैं लगातार न्यूज पेपर के माध्यम से एक ही अपडेट आ रही है जहाँ पर DLED या BTC के छात्र जीतते हुए नजर आ रहे हैं। अब दोस्तों सिर्फ BTC के ही छात्र रहेंगे, इतनी बड़ी वैकेंसी थी। आपको पता होगा कि भैया आज के दिन 70% छात्र 2021 या 2022 बैच जो हमारा आया है अब तक चल रहा है, 70% छात्र BEd कर रहे थे, मात्र 30% या 20-30% बच्चे ही DLED कर रहे हैं। तब जब बच्चों की संख्या इतनी कम है DLED में तो क्या होगा, पूरी अपडेट आपके सामने रखेंगे। BPSC बिहार शिक्षक भर्ती डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन आज से होगा, चल रहा है मतलब। और दोस्तों देखिए, हमने आपसे एक सवाल पूछा था BPSC TRE शिक्षक भर्ती कट ऑफ क्या जा सकती है। हमने बोला था 30 से ज्यादा नंबर कितने बच्चों के आ रहे हैं, 9% बच्चे, 35 से ज्यादा नंबर 12% छात्रों के, 45 से ज्यादा 61% छात्र हैं और 65 से ज्यादा 18% छात्र हैं। ठीक है, तो देखिए दोस्तों सवाल ये रहता, आपके मन में एक सवाल ये आएगा कि आरक्षण का कौन सा नियम लागू होगा। देखिए सिंपल सी बात समझ लीजिए, कोई भी बच्चा होगा, ठीक है। एक बात यहाँ पर और क्लियर करें, पहले मेल और फीमेल इन दोनों का आपस में कोई लेना देना नहीं रहने वाला, ठीक है, क्योंकि BPSC ने इतने गजब का पेपर कराया। देखिए जब आप लोग पेपर देने गए 24 अगस्त को, तो आप लोग बताइए कि आपके साथ मेल फीमेल कैंडिडेट्स थी नहीं थी। अगर BPSC चाहता तो 24 तारीख को फर्स्ट मीटिंग में भी मेल प्लस फीमेल ये कर सकते थे, ठीक है ना, मेल प्लस फीमेल का पेपर करा सकते थे। लेकिन इन्होंने दिमाग क्या लगाया BPSC ने कि मेल का फर्स्ट मीटिंग कर दिया और सेकेंड मीटिंग कर दिया फीमेल कैंडिडेट का। तो मतलब अगर एक साथ पेपर होता मेल और फीमेल का तो इनको नॉर्मलाइजेशन की पद्धति अपनानी पड़ती, जिसमें बाद में विवाद खड़ा होता है कि बच्चे कहते हैं नहीं हमारा नंबर बढ़ना चाहिए, शिफ्ट का पेपर आसान है, शिफ्ट का पेपर कठिन। तो भाई दोनों से कोई लेना देना नहीं है। अगर फीमेल कैंडिडेट में मतलब इसमें कुछ सीटें बच भी जाती हैं तो क्या होगा आगे, तो ये नहीं होगा कि मेल कैंडिडेट्स कहेंगे कि हमारे नंबर ज़्यादा हमें नौकरी मिले, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि मेल कैंडिडेट्स का जो पेपर था वो अलग था, फीमेल से कोई लेना देना नहीं। तो सिंपल सी बात है, इनकी कट ऑफ को और क्या किया जाएगा, कम कर दिया जाएगा, ठीक है ना। बाकी कुछ ऐसी वैकेंसी आती है जहां पर देखिए जो कट ऑफ को लगभग बराबर किया जाता है, जो भी दोस्तों आरक्षण का नियम उसमें क्या रहता है कि सबका पेपर एक साथ होता है, ठीक है। आप यहां पर 24 अगस्त को डेट आप एक काउंट कर सकते हैं, लेकिन जो मेल और फीमेल में कोई भी आपस में लेना देना 1% का भी नहीं था पेपर, ठीक है। एक और दोस्तों खबर, प्राथमिक भर्ती में मौका देने पर अड़े BEd अभ्यर्थी रोजगार अधिकार की उठाई है आवाज। जी हाँ दोस्तों, BEd छात्र भी अड़े हैं, ऐसा नहीं कि पीछे हट रहे हैं, ठीक है। तो पूरी अपडेट को देखेंगे। उर्दू बांग्ला कट ऑफ क्या जा सकती है, देखिए उर्दू बांग्ला में भी जनरल EWS जनरल को मत लिखा करें तो सही है, UR लिखें, उसके बाद OBC कैटेगरी, SC कैटेगरी, ST कैटेगरी और बाकी फिजिकल हैंडीकैप, एक्स सर्विस मैन, फ्रीडम फाइटर। देखिए 32,000 प्लस 48,000 कैसे मिलेगी नौकरी, 30 से 40 नंबर पाने वालों का भी सिलेक्शन हो सकता है। अब देखिए आपको हम एक बात बताते हैं, देखिए दोस्तों कुछ भी बात कहने से पहले कोई प्रूफ होना चाहिए हमारे पास कि हम किस आधार पर बात कर रहे हैं, ठीक है, कोई हवा हवाई बात नहीं होनी चाहिए। 2018 में विज्ञापन आया था और बच्चों को नौकरी 1-2 साल के बाद मिलती है, ठीक है। यहाँ पर दोस्तों DLED और BEd के छात्र, जरा समझिए, ये वो दौर था जहाँ पर BEd उतने ज़्यादा बच्चे नहीं करते थे, DLED ही काफ़ी बच्चे करते थे, ठीक है। तो इस वैकेंसी में भी 204,00,000 से ज़्यादा बच्चे सम्मिलित होते हैं, 1,46,000 बच्चे पास होते हैं और दोस्तों DLED छात्रों की संख्या मात्र 38,610, ठीक है। अगर इस वैकेंसी से BEd के 97,368 बच्चों को हम हटा देते हैं तो क्या होता,
सभी सीटों पर सिलेक्शन होता। टोटल सीटें 69,000 पद थे। अगर आप 38,000, 8,000 और 2,000 पदों को जोड़ भी देंगे तो ये संख्या तकरीबन 49,000, ठीक है, पूरी पूरी 49 में उससे कमी रहेगी लेकिन 49,000 के आसपास पहुंचती है, ठीक है। तब भी हमारे कितने सीट खाली रहते हैं ये समझिए, 20,000 पद खाली चले जाते हैं। जब दोस्तों कुछ पद खाली जाते हैं उसके बाद सरकार क्या करती है, जो क्वालिफिकेशन मिनिमम पासिंग मार्क उसको कम कर दिया जाता है, ठीक है, क्योंकि बार बार वैकेंसी निकालने से अच्छा है कि उसी वैकेंसी में सभी बच्चों को नौकरी दे दी जाए। चलिए दोस्तों पहले कोर्ट के अपडेट को देखेंगे और इसी वीडियो में हम कट ऑफ को डिस्कस करेंगे। ये दोस्तों जो हम आज आपको कट ऑफ बताने वाले वो बिल्कुल फाइनल हो सकती है, ठीक है। आप यूट्यूब पर या किसी भी प्लेटफॉर्म पर देखते होंगे जहां पर कट ऑफ बताया जा रहा होगा कि भैया 55 से ज़्यादा जाएगी, 60 से ज़्यादा चली जाएगी, 65 तक चली जाएगी, 45 से ऊपर जाएगी, 40 वालों का मतलब ये बताया जाता है कि भैया 40 वालों के कोई चांस नहीं। अभी हम आपको बताते हैं कैसे चांस बनेगा। अपडेट को देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने बिहार में प्राथमिक शिक्षक नियुक्ति में बीएड अभ्यर्थियों को भी मान्यता देने और कोर्ट द्वारा विगत 11 अगस्त को राजस्थान के संदर्भ में दिए गए आदेश को बिहार के संदर्भ में शिथिल रखने की याचिका को खारिज कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने विगत 28 अगस्त को बिहार के प्राथमिक शिक्षक अभ्यर्थियों की एक याचिका पर सुनवाई करते हुए आदेश दिया कि चूंकि इस मामले में बिहार सरकार कोई पार्टी नहीं बनाई गई है इसलिए उसकी ओर से जारी अधिसूचना पर हम कोई टिप्पणी नहीं कर रहे हैं, लेकिन कोर्ट यह उम्मीद करता है कि बिहार सरकार हमारी ओर से विगत 11 अगस्त को जारी आदेश को अपने संज्ञान में लेगा। गौरतलब है कि 11 अगस्त को दिए गए आदेश में सुप्रीम कोर्ट ने प्राथमिक शिक्षकों की नियुक्ति में बीएलएड को ही मान्यता देने और बीएड अभ्यर्थियों को इससे बाहर रखने का आदेश दिया था। फिर देखिए आगे क्या खबर है। बीपीएससी ने शिक्षा विभाग को लिखा पत्र। बीपीएससी ने सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए सुझाव के बाद शिक्षा विभाग की इस पर राय मांगी है। इसके लिए आयोग के सचिव ने शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव को मंगलवार को एक पत्र लिखा जिसमें सर्वोच्च न्यायालय के आदेश की प्रति भी संलग्न की गई है। विदित हो कि सर्वोच्च न्यायालय में कुछ प्राथमिक शिक्षक अभ्यर्थियों द्वारा यह याचिका दायर की गई थी कि राजस्थान के मामले में कोर्ट द्वारा 11 अगस्त को दिए गए आदेश से बीपीएससी की बीते 24 और 25 अगस्त को ली गई प्राथमिक शिक्षक नियुक्ति परीक्षा को बाहर रखा जाए और इसमें डीएलएड के साथ बीएड अभ्यर्थियों का भी रिजल्ट प्रकाशित किया जाए क्योंकि इसकी प्रक्रिया कोर्ट के आदेश आने से पहले शुरू हो चुकी है। 3,80,000 डीएलएड और 3,90,000 बीएड अभ्यर्थी। जरा दोस्तों यहाँ पर संख्या देखिए, पहले प्राथमिक शिक्षक नियुक्ति परीक्षा में शामिल होने के लिए बीएड अभ्यर्थियों की संख्या डीएलएड अभ्यर्थियों से अधिक थी। इसके लिए 3,80,000 डीएलएड अभ्यर्थी और 3,90,000 बीएड अभ्यर्थी ने फॉर्म भरा था जिनमें से लगभग 70% अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित हुए। सूत्रों की माने तो डीएलएड अभ्यर्थियों में बड़ी संख्या में प्रदेश के बाहर के अभ्यर्थी भी शामिल हैं। अब दोस्त यहाँ पर आप एक बात समझ गए होंगे, जब बाहर के अभ्यर्थी शामिल है तो बाहर के अभ्यर्थी कौन सी सीटों पर जाएंगे, वो सिर्फ जाएंगे अनरिजर्व्ड कैटेगरी, जो हमारी यूआर कैटेगरी है, ये मेल की है, ये दोस्तों फीमेल की, मतलब जो बच्चे बिहार राज्य के बाहर के छात्र, जरा समझ लीजिए अगर आप बिहार से तो इसको जरा समझिए कि अगर कोई बच्चा बिहार के बाहर का है तो वो इन दोनों सीटों में ही जाएगा। टोटल सीटें लगभग 32,000 के हम आसपास मानते हैं, ठीक है, बाकी जो ये सीट बच रही है 48,000, ठीक है, लगभग 48 से कुछ कमी रहेंगी, तो इतने सीटों पर कौन आएगा, ओनली बिहार के अभ्यर्थी, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, जब बड़ी संख्या में बाहर के छात्र भी सम्मिलित हो रहे हैं पेपर में, अगर मान लेते हैं जरा इसको समझिए, कहाँ पर था 3,80,000 डीएलएड छात्र, कितने छात्र हैं डीएलएड के टोटल 3,80,000। अगर दोस्तों मान लेते हैं कि 1,80,000 बच्चे बिहार के बाहर के राज्य के हैं तो बचे कितने संख्या, 2,00,000। अब 2,00,000 दोस्तों बच्चे सिर्फ बिहारी हैं, ठीक है, अब इनका कोई मतलब नहीं है बाहर के राज्यों से। अब 2,00,000 में कितनी सीटें बच रही हैं, तकरीबन 48,000, ठीक है। अभी भी दोस्तों कंपटीशन उतना हल्के में नहीं लेना है क्योंकि लगभग हम मान लेते 50,000, तो 1/4 मतलब 4 में से दोस्तों एक बच्चे का सिलेक्शन होना है, ठीक है। तो क्या आपको लगता है कट ऑफ बहुत ज़्यादा जाएगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। अगर आप लोग सिर्फ अपना जो क्वालिफिकेशन है पासिंग मार्क है, ठीक है, ये हम दोस्तों हम बात करते हैं अनारक्षित वर्ग को छोड़ दिया जाए, अगर आप ओबीसी के हैं तो 36% नंबर भी लाने पर आपको नौकरी मिल सकती है, एससी एसटी में 32% और ईबीसी के लिए 34%, ठीक है। जरा बिहार में जो या बीएड के जो छात्र कहना चाहते हैं उनकी बात अपने सामने रखते हैं। प्राथमिक स्कूलों के शिक्षक भर्ती से बीएड के बाहर होने पर संयुक्त बीएड मोर्चा की ओर से शिक्षक दिवस पर बालतन चौराहे पर महापंचायत का आयोजन किया गया। बीएड डिग्रीधारियों ने राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन, ठीक है, एसीपी सत्येंद्र त्रिपाठी को सौंपा और उनकी समस्या पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करते हुए अवसर देने का अनुरोध किया। महापंचायत में आजाद अधिकार सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष
अमिताभ ठाकुर भी पहुंचे और समर्थन दिया। तो दोस्तों देख सकते हैं कि बीएड के छात्र भी अभी पूरी कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, ऐसा नहीं, किसी को हार नहीं मानना चाहिए। तो मेल और फीमेल की कटाव दोस्तों यहाँ पर अलग अलग हो सकती है। कुछ बच्चों को ऐसा लग रहा होगा कि मेल और फीमेल की कटाव लगभग सेम जा सकती है। अगर मेल की कटाव 45 जाती है तो फीमेल की कटाव भी 44.9 या 45.1 ऐसी जा सकती है। देखिए यहाँ पर सीटों का बंटवारा पहले से ही कर दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हैं जैसे लिखा अनरिजर्व्ड कैटेगरी फीमेल कैटेगरी, तो 16,040 सीटों में, ठीक है, जो यूआर की सीटें हैं इसमें दोस्तों कोई भी मेल कैंडिडेट नहीं आएगा, ठीक है। अगर फीमेल कैंडिडेट नहीं मिलती ये सीटें खाली रह जाएंगी। हाँ एक बात आपको और बता दें, उत्तर प्रदेश में भी कुछ ऐसा ही हुआ था जनरल ओबीसी एससी एसटी में, ठीक है। यहाँ पर दोस्तों एसटी में सीटें ज़्यादा थी लेकिन कैंडिडेट्स कम पास हुए, तो एसटी की जो सीट थी उसको क्या बना दिया जाता है एससी कैटेगरी में, उसको बदल दिया गया। मतलब जो बच्चे एससी कैटेगरी के थे वो एसटी की सीट पर जाकर नौकरी कर सकते थे, ठीक है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर मेल और फीमेल में कोई अलग मैटर नहीं था। लेकिन दोस्तों यहाँ पर एक देखिए इस वैकेंसी में सिंपल था, एक पेपर हुआ था खाली, ठीक है। लेकिन दोस्तों जो हमारे बिहार शिक्षक भर्ती यहाँ पर दो पेपर हुए, ठीक है, एक मेल का एक फीमेल का। तो मेल वाले अपनी मेल की सीट रखेंगे, फीमेल कैंडिडेट अपनी फीमेल की सीट रखेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर बिल्कुल भी हमें आसान भाषा में समझना, कोई कन्फ्यूजन क्रिएट नहीं करना, ठीक है। बाकी अगर आपको कोई आपसे कोई कह रहा है कि भैया कट ऑफ ज़्यादा जाएगी, जरा कट ऑफ एक बार समझ लीजिए एक्सपेक्टेड क्या रहेगी। मेल में 50 से 55 और फीमेल में 247 से 52, ये दोस्तों यूआर की सीटें हैं। अगर उत्तर प्रदेश की कोई लड़की, यूपी की भी कोई लड़की अगर 47 नंबर पा रही है, ठीक है, जनरल कैटेगरी से या यूआर कैटेगरी से, तो उनको आराम से ये इसमें नौकरी मिलेगी। अब दोस्तों एक और यहाँ पर कन्फ्यूजन क्रिएट है, फीमेल कैंडिडेट्स में हुआ क्या था कि जो बिहार में था कि उनको एससी एसटी में 75 ही सीटेट में पासिंग मार्क मान लिया, ठीक है, और उसके बाद 82 नंबर जनरल में पासिंग मार्क मान लिया गया। अब जो बच्ची यूपी से आती है उनके लिए क्या कट ऑफ रखी जाएगी, 82 या 90 नंबर। देखिए अभी ऐसी बहुत सी कंफ्यूजन रहने वाली है पेपर में, अभी वो सब भी क्लियर होना है। बहुत से बच्चे ऐसे आवेदन कर दिए जो बच्चे योग्य भी नहीं थे, मतलब जिनका डीएलएड में बैक लगी है वो बच्चे भी आवेदन कर देते हैं। देखिए बीएड में तो बैक लगते नहीं नॉर्मली, लेकिन डीएलएड में बच्चे बैक थे। अब बैक पेपर हो नहीं रहा, रिजल्ट आपको वहाँ पर प्रस्तुत करना पड़ेगा, ठीक है ना। 31 अगस्त 2023 तक अगर आप लोगों का कोई भी अपीयरिंग एग्जाम हो जाता है, रिजल्ट भले बाद में है, तो आप लोग योग्य थे। अब अगर आपकी कोई बैक रह गई, उसका पेपर तो 31 अगस्त से पहले हुआ नहीं, अब बाद में कब होगा भगवान जाने। तो आप लोगों को तो देखिए सिंपल सी बात है, बाहर कर दिया जाएगा। बहुत से बच्चे आरक्षण में गलत तरीके से फॉर्म भर दिए, रहने वाले दोस्त वो यूपी के थे, यूपी से डीएलएड कर लिए, अब बीएड में उन्होंने कास्ट सर्टिफिकेट बनवा लिया, अब उनके साथ भी दिक्कत आ सकती है। तो देखिएगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जहाँ पर बहुत से बच्चे अपने आप बाहर होते हैं, ठीक है। तो अगर आप लोग के नंबर 30 प्लस बन रहे हैं तो अभी आप लोग परेशान मत होइए। देखिए दोस्तों हमने आपसे पोलिंग करवाई थी, यहाँ पर जो बच्चे ये बोलते हैं कि सर हमारे नंबर तो बहुत अच्छे बन रहे हैं, ठीक है, ये जो 65 प्लस वाले नंबर है ये कौन सी सीट लेके जाएंगे, सिंपल सी बात है यूआर की सीट ले जाएंगे, अनरिजर्व कैटेगरी, आपका कोई मतलब नहीं है, ठीक है। 65 प्लस में बिहार के भी कुछ बच्चे नौकरी करेंगे, कुछ बच्चे दोस्तों यूपी के करेंगे, कुछ बच्चे और भी राज्य से आएंगे, ठीक है, तो ये यूआर की सीट ले जाएंगे। बाकी जो ये 30 से लेकर 45 के अंदर रहने वाले 45 प्लस या 60 तक या 65 के नीचे तक, ये सब बच्चे सीटें ले जाएंगे 48,000 वाली, ठीक है ना। तो कट ऑफ ज़्यादा नहीं जाएगी। अब दोस्तों देखिए होता क्या है कि अगर कुछ बच्चे सवाल पूछते सर हमारे 45 नंबर बनने के, हमारा सिलेक्शन हो जाएगा। देखिए अभी मान कर चलिए आपका सिलेक्शन हो सकता है, सिलेक्शन एक बहुत ही लंबा प्रोसेस, एक बात आपको बता रहे हैं, भले सब कुछ टाइम पर हो रहा हो, अभी देखिए होगा क्या। मान लेते फर्स्ट मेरिट लिस्ट जो भी जारी करते हैं उसमें मान लेते 45 नंबर तक की नौकरी सबको दे देते हैं। आपको बता दें 45 नंबर तक नौकरी पाने वाले भी बाद में हजारों बच्चे बाहर होंगे, कोई ना कोई उनकी गलती होगी। अब देखिए इसमें आप पैसा चलाकर ये मत सोचिएगा कि आपको नौकरी मिल जाए, बाद में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, आपका पैसा भी बर्बाद होगा। यूपी में दोस्तों बहुत से बच्चों ने ऐसे करने का प्रयास किया, बाद में बहुत पछता रहे वो बच्चे, ठीक है ना। तो बीपीएससी में जो कट ऑफ जा सकती है, फिर से हम आपको क्लियर करते हैं कि अगर आप लोग के 45 प्लस नंबर बन रहे हैं तो बहुत आसानी से आपकी नौकरी लग जाएगी, आप किसी भी आरक्षित वर्ग में आते हैं। अगर आप लोग जनरल कैटेगरी से यूआर कैटेगरी से हैं तो आपके 50 प्लस नंबर जरूरी है, ठीक है ना। और जो बच्चे 30 से ज़्यादा नंबर पा रहे हैं उनके लिए कौन सा क्या संभावना बन रही है, उनके लिए संभावना बनती है इन सभी कैटेगरी में। एक तो
जो फीमेल कैंडिडेट्स हैं उनके लिए कट ऑफ बहुत ही कम जाएगी, ठीक है। देख सकते हैं आप लोग ये सब कैटेगरी, यहाँ पर अभी ज़्यादा नंबर आपका शो हो रहा है क्योंकि ये बीएड के साथ भी था, अब बीएड के बच्चे नहीं रहेंगे सिर्फ डीएलएड में रहेंगे तो फिर कट ऑफ आपकी और कम जाएगी। अगर बीएड बच्चों को शामिल किया जाएगा तो ये कट ऑफ रहेगी क्योंकि पेपर भी कठिन था। एक बात और ध्यान रखना, ये जो हम लोग कट ऑफ बना रहे हैं, पेपर अगर आसान होता और पाँच विकल्प, उत्तर प्रदेश में 200 जो वैकेंसी आती इसमें सिर्फ चार विकल्प था, यहाँ पर आपको पांच विकल्प में से चयन करना था और सबसे खतरनाक विकल्प भैया चौथा पांचवा था। चौथा क्यों हम कहते हैं खतरनाक था, पांचवा था इनमें से कोई नहीं, चौथा ये होता कि इनमें से सभी तो हम कहते ठीक विकल्प था, लेकिन उनमें चौथा विकल्प ये रहता कि इनमें से एक से अधिक होगा। अब मान लेते दोस्तों पहला दूसरा तीसरा, मान लेते पहला तीसरा सही है दूसरा गलत है, मान लीजिए आपने देखा पहला सही है ठीक है दूसरा गलत लगा तो आपने तुरंत ही पहले को टिक कर दिया, इस वजह से भी आपका गलत हुआ, या किसी बच्चे को तीसरा आंसर था जिसको टिक किया तो भी उसका इनमें से सही भी या इनमें से एक से अधिक वाला टिक करना था, तो ऐसे बहुत से बच्चों ने क्वेश्चन गलत किया। तो क्वेश्चन बहुत ही पेपर कठिन था, आपके नंबर अच्छे आ रहे हैं तो सिंपल सी बात है आपकी तैयारी बेहतर होगी, तो ये मत सोचेगा कि कट ऑफ ज़्यादा जाएगी। हाँ यू आर कैटेगरी में अच्छी खासी फाइट देखने को मिलेगी अनरिजर्व कैटेगरी, ठीक है। बाकी जो भी बिहार राज्य के बच्चे हैं उनको कोई दिक्कत नहीं आने वाली, आप लोग बिल्कुल परेशान मत होइएगा, आप लोग बहुत ही कम नंबर पर नौकरी पाएंगे, ठीक है। बस आप लोग को एक प्रयास करना है कि आप लोग की जो सीट है वो यूआर में नहीं जानी चाहिए, ठीक है। बहुत बार क्या होता है कि बच्चे कम पास होते हैं, मिनिमम क्वालिफिकेशन नंबर नहीं लाते, अब मान लेते ओबीसी में 36.5% रखी गई बात, अब इनमें सीटें दोस्तों कितनी है जरा देखिए, पहले पिछड़ा वर्ग ठीक है 48 से 53, ठीक है यहाँ पर कट ऑफ रखी जा रही है वर्ग महिला, ये अब मान लेते 48 नंबर या जो भी 200 नंबर है अगर आपको उससे भी कम आता है, ठीक है मान लेते आप 215 नंबर पास, तो क्या आपकी सीट जनरल में जानी चाहिए, फिर आप लोग उस पर क्या करते हैं कोर्ट केस करते हैं, ठीक है। तो ये सब मामला रहता है, तो चलिए इंतजार करेंगे और बाकी आप लोग को बिल्कुल परेशान नहीं होना है, कम नंबर वालों का भी सिलेक्शन होगा, ठीक है। आप लोग डीमोटिवेट मत होइए, पूरी तरीके से अपने डॉक्यूमेंट्स आप लोग भी तैयार रखिएगा, ठीक है। अगर आपको बुलाया जाता तो आपकी नौकरी लगनी चाहिए। बाकी यूआर कैटेगरी में थोड़ी सी फाइट तगड़ी रहेगी क्योंकि यूपी के बाहर के बहुत से बच्चे इस परीक्षा में सम्मिलित हुए हैं, ठीक है, बिहार के बाहर के मतलब, और यूपी के भी बाहर के, ऐसा नहीं कि सिर्फ उत्तर प्रदेश ही सम्मिलित हो रहा है। क्या आप लोग राजस्थान पेपर देने नहीं गए थे रीट का, कितने बच्चे गए थे ना, तो वैसे दोस्तों बड़ी तादाद है यहाँ पर। तो चलिए मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड और बिल्कुल मोटिवेट रहिए, और काफ़ी ज़्यादा चांसेस है कि आप लोग का सिलेक्शन होगा, जो बच्चे परीक्षा पास करेंगे 90% चांस है कि आपका सिलेक्शन होगा, अगर बीएड बाहर हुआ है उसके हिसाब से हम आपको बता रहे हैं। बीएड रहेगा तो हर कैटेगरी में थोड़ी थोड़ी फाइट आपको देखने को मिलेगी, क्योंकि बीएड कैंडिडेट्स भी भाई अच्छी तैयारी करके आए थे पेपर में, ऐसा नहीं कि उनकी तैयारी में कमी थी। चलिए फिर मिलते हैं, स्टे कनेक्टेड, और बाकी उर्दू बांग्ला में ज़्यादा कट ऑफ नहीं जाएगी, परेशान मत होइएगा, हैव अ नाइस डे।